सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पैसे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कहा है कि आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी, बस आपको इंतज़ार करना है। और क्या पढ़ाना है आपको वो मैं जानता हूँ दोस्तों, और आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपकी परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग इंग्लिश के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। इंग्लिश और रीजनिंग अर्थात रागा वाला पोर्शन, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ रीजनिंग का, ये दो चीज़ आपको दोस्तों कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और जल्द ही वाई ग्रुप का प्रैक्टिस सेट स्पेशल रूप से चलेगा, अर्थात जिसमें रागा के पूरे प्रश्न, रागा में जैसे दोस्तों साइंस का प्रश्न उसी में आता है, उसी में आपका जो है हिस्ट्री आता है, उसी में आपका करेंट अफेयर आता है, उसी में आपका रीजनिंग आता है, उसी में आपकी मैथ आती है, तो वो स्पेशली जो है जब प्रैक्टिस सेट चलेगी तो उसमें पूरा 30 प्रश्न डिस्कस किया जाएगा। उस 30 प्रश्न में हर टाइप के प्रश्न रहेंगे दोस्तों, तो वो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी रहेगी जो इस बार एग्जाम देंगे। और वहीं जो है शाम को चल रही है दोस्तों, शाम को जो 4 बजे आपकी चल रही है साइंस की, अभी बैच स्टार्ट हुई है जैसा कि आप जानते होंगे, NTPC का भी एग्जाम आ गया है, तो उस साइंस वाले में आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जो वाई ग्रुप में साइंस पूछी जाती है दोस्तों, वाई ग्रुप में जो साइंस पूछी जाती है या यक्स ग्रुप में कभी कभी नॉर्मल साइंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो दोनों चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी दोस्तों, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन अपना, और आज हम लोग पढ़ेंगे पैसेज दोस्तों, आज हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। तो एक बार आप लोग कमेंट में आ जाइए, एक बार सब लोग कमेंट करिए दोस्तों। हेलो, जय हिंद, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। नील प्रताप, मानस राठौर, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। गौरव, किशन, मानस, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। एक बार जय हिंद लिखिए। धर्मराज, चंदन, भाई बंधु, सब लोग आइए कमेंट में, सब लोग कमेंट में आइए दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना सेशन, आज का अपना सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। और आज के सेशन में जैसा कि आप देख रहे होंगे एयरफोर्स स्पेशल प्रैक्टिस सेट, ठीक, तो उसमें हम लोग पहला पैसेज हम कर चुके हैं दोस्तों। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के पार्ट वन उसका देख लीजिए दोस्तों। आज हम लोग पार्ट टू पर डिस्कस करेंगे, और पार्ट टू क्या है देखिएगा, पार्ट टू क्या है दोस्तों देखिएगा, आज का लिखा है दोस्तों पैसेज है, पैसेज पार्ट टू। हमने कहा दोस्तों पैसेज की एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, और पैसेज आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ देता हूं दोस्तों क्या है। फिटिंगली द म्यूजियम इज हाउस्ड इन ए ग्लास एंड स्टील बिल्डिंग विथ ए रस्ट रेड 115 feet हाइट स्केटेड हुमेन फ्रॉम ग्राफ्टेड ऑन टू वन साइड ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग एक्सटीरियर ऑन द डे वी विजिटेड दिस टेम्पल टू होमोसेपियंस द रिसेप्शंस एरिया मिल्ड विथ ईगर किड्स एंड क्यूरियस एडल्ट्स बट बियॉन्ड दैट ए स्ट्रेंज डार्क वर्ल्ड अनफोल्डेड ऑफ थ्रोबिंग हर्ट्स वाइजिंग लंग्स गेंट्स इंटेस्टाइन्स डैगर लाइक टीथ एंड फ्लेमिंग गम्स, और आगे और है दोस्तों। तो आज हम लोग यही पैसेज पढ़ेंगे दोस्तों, एक बार आप लोग सब लोग शेयर करिए, एक बार सब लोग शेयर करिए, हर जगह शेयर करिए, एक बार फेसबुक पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर जो बच्चे अभी तक हमें फॉलो नहीं किए दोस्तों वो जुड़ जाए हमारे साथ, वो हमारे साथ जुड़ जाए दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाए, अपना परिवार द स्पीड स्टडी हर जगह होना चाहिए। तो आप लोग जो अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं वो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें दोस्तों, तो शेयर करिए। देख रहा हूं बहुत कम बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, और मैंने कहा कि बच्चों की संख्या आप मेंटेन रखिए दोस्तों,
तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, आज का जो पैसेज है किस पर आधारित है, पहले ये समझ लीजिए दोस्तों। आज का जो पैसेज है वो एक म्यूजियम पर आधारित है। म्यूजियम का मतलब होता है दोस्तों अजायब घर। म्यूजियम का मतलब होता है अजायब घर। अजायब घर का मतलब जहां पर प्रदर्शनी और दर्शनी लगी रहती है दोस्तों। जैसे आप देखे होंगे आनंद भवन इलाहाबाद में है दोस्तों, या कोई पार्क हो तो उसी तरह दोस्तों आनंद भवन जैसे उसमें जो है आपको तारामंडल जो मिल जाएगा, तो तारामंडल में दोस्तों अंदर पूरा विस्तार से बताया गया है हमारे ब्रह्मांड के बारे में। तो उसी तरह दोस्तों आज हम लोग जो चर्चा करने चल रहे हैं वो म्यूजियम पर चर्चा करने चल रहे हैं। और ये जो म्यूजियम है ना दोस्तों, ये जो म्यूजियम है ये मनुष्य के शरीर पर आधारित है कि मनुष्य के शरीर का जो अंग है वो किस तरह से काम करता है, क्या क्या रहता है, वो सारी चीजें दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लिखा है फिटिंगली, फिटिंगली द म्यूजियम, फिटिंगली द म्यूजियम इज हाउस्ड इन ए ग्लास एंड स्टील बिल्डिंग्स विथ ए रस्टेड 1.115 हाई स्केटेड ह्यूमन फ्रॉम ग्राफ्टेड ऑन टू साइड ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग एक्सटीरियर। तो सुनिए दोस्तों है क्या। सबसे पहली चीज तो देखिए फिटिंगली, फिटिंगली का मतलब होता है उपर्युक्त रूप से। जो मीनिंग आपको कठिन लगे आप उसको लिख लीजिएगा। फिटिंगली का मतलब होता है उपर्युक्त रूप से। द म्यूजियम का मतलब होता है अजायब घर। इज माने है हाउस्ड, हाउस्ड का मतलब होता है दोस्तों समाहित है। तो द फिटिंगली मतलब उपर्युक्त रूप से। द म्यूजियम इज हाउस्ड, जो आपका संग्रहालय है, अर्थात म्यूजियम का मतलब संग्रहालय दोस्तों, संग्रहालय है। इज हाउस्ड, इज हाउस्ड मतलब कि समाहित है। कहां समाहित है? इन ए ग्लास, एक कांच के, एंड स्टील बिल्डिंग, एक कांच के और इस्पात के, एक कांच के और इस्पात के बिल्डिंग मतलब भवन में समाहित है। मतलब दोस्तों उपर्युक्त रूप से संग्रहालय एक कांच के और इस्पात के भवन में संग्रहित है। आगे चलते हैं दोस्तों। विथ ए रस्ट रेड 115 फीट हाइट स्केटेड ह्यूमन फ्रॉम ग्राफ्टेड ऑन टू वन साइड। सुनिएगा दोस्तों, कह रहा है कि विथ ए रस्ट रेड, रस्ट रेड का मतलब होता है दोस्तों जंक की तरह लाल रंग। रस्ट रेड, रस्ट रेड का मतलब होता है दोस्तों जंक की तरह लाल रंग। तो वही है कि विथ ए रस्ट रेड 115 फीट हाइट हाई स्केटेड ह्यूमन, मतलब दोस्तों जो लाल, जो संग्रहालय है वो लाल रंग, लाल जंक रूपी रंग लिए 115 फीट ऊंचे, 115 फीट ऊंचे मानव को दिखाया गया है। जो संग्रहालय है दोस्तों उस संग्रहालय में 115 फीट ऊंचा एक मानव है, उसी को दिखाया गया है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। ऑन द डे मतलब एक दिन, वी विजिटेड हम विजिट किए या हम गए दिस टेम्पल उस मंदिर में। एक दिन हम उस मंदिर में गए। आगे देखते हैं दोस्तों। टू होमोसेपियंस, टू होमोसेपियंस का मतलब दोस्तों होमोसेपियंस का वो मंदिर था। जो वो मंदिर था दोस्तों, जो वो अजायब घर था, उस अजायब घर में होमोसेपियंस थे। अब होमोसेपियंस कौन है दोस्तों? होमोसेपियंस दोस्तों हमारे चिंतनशील मानव को कहा जाता है, अर्थात जो आज हम लोग हैं, हम लोगों के जो पूर्वज हैं वही होमोसेपियंस हैं। अर्थात मानव पहले चूंकि जब जानते नहीं थे, उनके सबके दिमाग नहीं था, कुछ सोचने की क्षमता नहीं थी दोस्तों, उसी के बाद जब मानव का विकास होता है दोस्तों तो होमोसेपियंस आते हैं। और होमोसेपियंस दोस्तों एक चिंतनशील मानव थे, अर्थात वो अपने भविष्य के बारे में चिंता करते थे। हम लोग उन्हीं की प्रजाति हैं दोस्तों, उन्हीं के हम लोग वो हमारे पूर्वज हैं। तो वही होमोसेपियंस के मंदिर के विषय में चर्चा की गई है। आगे चलते हैं। द रिसेप्शन एरिया, सुनिएगा दोस्तों, द रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन एरिया का मतलब होता है स्वागत क्षेत्र में। तो क्या कह रहा है कि द रिसेप्शन एरिया,
मिल्ड विथ ईगर किड्स, द रिसेप्शन एरिया मिल्ड ईगर किड्स। ईगर किड्स का मतलब होता है दोस्तों उत्सुक बच्चे, ईगर का मतलब उत्सुक, तो किड्स मतलब बच्चे, ईगर किड्स उत्सुक बच्चे एंड माने और क्यूरियस एडल्ट्स। क्यूरियस एडल्ट्स का मतलब होता है दोस्तों जिज्ञासु, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु और एडल्ट्स का मतलब वयस्क, तो क्यूरियस एडल्ट्स जिज्ञासु वयस्क। आगे देखते हैं बट माने लेकिन, बियॉन्ड दैट, लेकिन बियॉन्ड दैट का मतलब होता है दोस्तों इस सब के अलावा, बियॉन्ड का मतलब के परे होना, तो वही चीज है बियॉन्ड दैट, इस सब के अलावा। आगे देखते हैं क्या देखा, मतलब ये बताया जा रहा है कि हम लोग अजायब घर में अर्थात म्यूजियम में घुस गए हैं और म्यूजियम में हम देख रहे हैं, हम लोग गए एक मतलब होमोसेपियंस का मंदिर था वहाँ पर अजायब घर में, संग्रहालय में वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर हमने देखा दोस्तों कि जो बच्चे थे उत्सुक थे और जो एडल्ट थे वयस्क थे वो जिज्ञासु थे। आगे देखते हैं ए स्ट्रेंज डार्क वर्ल्ड अनफोल्डेड ऑफ थ्रॉम्बिंग हर्ट्स। सुनिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए स्ट्रेंज डार्क वर्ल्ड, ए स्ट्रेंज मतलब कि एक अजनबी, अजीब, क्या कह रहा है दोस्तों, एक अजीब डार्क वर्ल्ड, काली दुनिया, डार्क वर्ल्ड काली दुनिया, एक अजीब काली दुनिया, अनफोल्डेड ऑफ थ्रॉम्बिंग हर्ट्स। अनफोल्डेड ऑफ थ्रॉम्बिंग हर्ट्स का मतलब होता है दोस्तों धड़कते हुए, थ्रॉम्बिंग मतलब धड़कना, तो थ्रॉम्बिंग हर्ट्स धड़कते हुए हृदय, अर्थात जब हम वो अंदर गए हैं तो म्यूजियम, मैंने कहा दोस्तों इसमें मानव के विषय में बताया गया है और सब चीज अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है दोस्तों कि हम किसी मानव के शरीर में घुस गए हों, तो आज वही बता रहा है दोस्तों जब ये लोग अंदर गए तो अंदर एकदम अंधेरा था, वही डार्क वर्ल्ड, अंधेरी संसार, अंधेरा संस्कार था, अंधेरा संसार था, संस्कार नहीं दोस्तों, अंधेरा संसार था और वहां पर दोस्तों अनफोल्डेड ऑफ थ्रॉम्बिंग हर्ट्स अर्थात दिल, धड़कते हुए दिल दोस्तों। आगे वीजिंग लंग्स, फेफड़ों की घबराहट, वीजिंग मतलब होते घबराहट, लंग्स मतलब फेफड़े, फेफड़ों की घबराहट, ये सब सुनाई दे रही है दोस्तों, अर्थात जब हम लोग उसके अंदर घुसे, जब हम लोग उसके अंदर घुसे दोस्तों तो हुआ क्या कि जो दिल की धड़कन, जैसे हम लोग अगर अभी आपके मतलब किसी, आप अपने दिल में कैसे कान लगाएंगे दोस्तों, कोई आदमी खड़ा हो उसके दिल में कान लगाइए तो देखिए आपको धक 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 करके सुनाई देगा, तो उसी तरह दोस्तों जब उस म्यूजियम में प्रवेश किए अंदर तो सबसे पहले तो अंधेरा था, क्योंकि अगर अभी आप किसी मनुष्य के शरीर के अंदर जाएंगे दोस्तों तो शरीर के अंदर जाएंगे तो अंधेरा ही तो रहेगा, लाइट तो लगी नहीं है कि वहां बल्ब लगी है, तो उसी तरह दोस्तों उसको बनाया गया है, तो वहां पर जब आदमी गया तो अंधकार था, उसके बाद दोस्तों दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और क्या हो रहा था, फेफड़ों की घबराहट सुनाई दे रही थी और क्या हो रहा था, गेंट इंटेस्टाइन, गेंट्स इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, विशाल आंत, क्या कह रहा है, ग्रेंट, ग्रेंट का मतलब होता है दोस्तों विशाल और इंटेस्टाइन का मतलब होता है दोस्तों आंत, विशाल आंते थी वहां पर एंड डैगर लाइक टीथ, डैगर लाइक टीथ का मतलब दोस्तों डैगर की तरह दांत थे। आप सोच रहे होंगे डैगर क्या है सर जी, तो डैगर एक, देखिए अगर एवेंजर मूवी देखे हो दोस्तों या फिर कोई खूंखार मूवी देखे हो तो उसमें जो दोस्तों जानवर उनर रहते हैं उनके दांत देखिए कितने बड़े बड़े रहते हैं, तो उसी तरह कह रहा है, वही चीज इसमें लिखा है दोस्तों, डैगर लाइक टीथ मतलब दोस्तों, डैगर लाइक टीथ का मतलब क्या हुआ कि जानवरों की तरह, डैगर की तरह दांत थे एंड फ्लेमिंग गम्स, एंड फ्लेमिंग गम्स मतलब होता है दोस्तों, फ्लेमिंग मतलब ज्वलनशील, जलते हुए, गम्स मतलब मसूड़े, जलते हुए मसूड़े थे, अर्थात दोस्तों हम लोग अजायब घर में पहुंच गए, वहां पर क्या देखा हमने, देखा कि अंधकार से भरा हुआ संसार था, मतलब चूंकि अंदर गए तो दोस्तों अंधेरा तो रहेगा ही, तो वही चीज कह रहा, अंधकार से भरा हुआ संसार था, वहां पर दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, वहां पर फेफड़ों की घबराहट सुनाई दे रही थी दोस्तों, वहां पर क्या चीज, वहां पर दोस्तों एक विशालकाय आंत दिखाई दे रही थी दोस्तों, वहां पर डैगर के दांत दिखाई दे रहे थे और वहीं दोस्तों ज्वलनशील मसूढ़े दिखाई दे रहे थे, तो ये सब अभी आपको बता रहा हूं दोस्तों वहां पर क्या क्या देखा इसने और हम आपको ले चल रहे हैं, जान लीजिए आज दर्शन कर रहे हैं आप, आज आपको मैं म्यूजियम में घुमा रहा हूं दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे लिखा है पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 16,
पार्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 16 का मतलब 16 लोगों का एक समूह था, ग्रुप था, 16 लोगों का एक समूह था। वी इम्बार्कड ए 15 मिनट जर्नी इनटू द म्यूजियम बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों वी इम्बार्कड का मतलब हुआ दोस्तों कि हम जो है, वी माने हम, इम्बार्कड मतलब कि प्रारंभ किया, हमने प्रारंभ किया ए 55 मिनट जर्नी, एक 55 मिनट की यात्रा। दोस्तों 16 लोगों का एक समूह था और उस 16 लोगों में मैं भी एक था, और मैंने दोस्तों इम्बार्कड मतलब प्रारंभ किया ऑन 15 मिनट जर्नी, 15 मिनट की एक यात्रा। कमेंट करिए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी वर्ड में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है दोस्तों, किसी वर्ड में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसको आप एक बार अभी देख रहे हैं दोस्तों, एक बार जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद इसकी पीडीएफ आपको उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर कल मैंने भेज दी थी, पेज इसका फोटो खींच के मैंने भेज दिया था, आप वहां से पढ़ लीजिएगा और एक बार अपनी कॉपी में उसका हिंदी लिख लीजिएगा। दोस्तों पैसेज इसी तरह याद होता है, याद रखिएगा पैसेज, एक बार मैं बता रहा हूं, उसके बाद आप जो है, जो मैं पीडीएफ दिया हूं उससे देख करके बिना मतलब कुछ सुने उसकी हिंदी निकालने की कोशिश करिए, लिखिए, फिर देखिए कहां गलत हो रहा है, फिर से ये वीडियो देखिए। तो इस तरह जब करेंगे दोस्तों, 3-4 पैसेज कर लेंगे तो आपको मतलब कि अनुभव हो जाएगा कि हमको कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, वही कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी मतलब कि हमने जो है 55 मिनट की मानव शरीर की यात्रा शुरू की। तो दोस्तों जो वो म्यूजियम था, वो मानव शरीर का म्यूजियम था, उस म्यूजियम में मानव शरीर बना था, उसी में हमको चलना था, और वो ऐसा बना था दोस्तों कि लग रहा था कि सजीव मानव है, अर्थात जीवित मानव है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ए 35 मीटर टाल रिप्लिका, ठीक, ए 35 मीटर टाल रिप्लेसिया है दोस्तों, रिप्लेसिया है या रिप्लेशा है। तो देखिए, एक 35 मीटर मतलब 35 मीटर लंबी, और देखिए ये जो रिप्लिका है दोस्तों, रिप्लिका का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, एक 35 मीटर लंबा स्मृति चिन्ह था, स्टार्टिंग एट द नी एंड एंडिंग इन द पल्सेटिंग ब्रेन, जो कि दोस्तों जो वो स्मृति चिन्ह था वो शुरू हो रहा था द नी मतलब घुटनों से शुरू होकर इन द पल्सेटिंग ब्रेन और स्पंदन मतलब कि वाइब्रेट करता हुआ दोस्तों, वाइब्रेट करते हुए मस्तिष्क पर समाप्त होता है। अर्थात दोस्तों जो वो स्मृति चिन्ह था वो घुटनों से शुरू हुआ और कहां तक चला गया दोस्तों, मनुष्य के माइंड दिमाग तक चला गया, और ये कितना लंबा था दोस्तों, 35 मीटर लंबा था। आगे चलते हैं दोस्तों, द थंडरस ओवरचर इन्वॉल्वड ए गोरी वाउंड दैट ओजड एट द नी ऑफ द गेंट। सुनिएगा दोस्तों, द थंडरस, देखिए थंडरस का मतलब क्या होता है, थंडर मतलब होता है गरजना, और थंडरस का मतलब गरजता हुआ, ओ यू एस लगा है। हमने कहा दोस्तों कि अगर वर्ड के अंत में ओ यू एस मिल जाए तो जान लीजिएगा कि वो आपका एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि द थंडरस ओवरचर इन्वॉल्वड ए गोरी वाउंड, तो सुनिएगा, द थंडरस ओवेंचर्स मतलब क्या हुआ कि गरजता हुआ, ओवरचर मतलब होता है प्रस्ताव, इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित था, आगे गोरी वाउंड, गोरी मतलब होता है घाव, वाउंड मतलब होता है लहू लुहान। अर्थात दोस्तों जब हम लोग अंदर गए तो वहां पर दोस्तों हमने देखा स्मृति चिन्ह, जब स्मृति चिन्ह में जब घुसे दोस्तों, क्योंकि देखिए शरीर के अंदर का हम यात्रा कर रहे हैं, शरीर के अंदर दोस्तों ब्लड रहेगा, घाव रहेगा, हर चीज रहेगा ना, तो वही कह रहा है कि गरजता हुआ एक प्रस्ताव था जिसमें एक लहू लुहान घाव सम्मिलित था दोस्तों, अर्थात उसमें घाव लगा हुआ था, उस शरीर में दोस्तों घाव लगा हुआ था। और आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, एट द नी ऑफ गेंट दैट ओज्ड एट द नी ऑफ गेंट, मतलब क्या हुआ, दैट माने जो, ओज्ड द नी
मतलब दोस्तों घुटनों के बल, ओज्ड एट द नी मतलब घुटनों के बल झुका हुआ था, ओज्ड मतलब झुका हुआ था, एट द नी मतलब घुटनों के बल ऑफ द गेंट, ऑफ द गेंट मतलब विशाल, अर्थात जो ये विशाल काय था दोस्तों ये घुटनों के बल झुका हुआ था। आगे क्या कह रहा है, ए ड्रामेटिक बैटल, ए ड्रामेटिक बैटल का मतलब होता है दोस्तों एक युद्ध क्षेत्र था, उसी के अंदर दोस्तों शरीर के अंदर एक युद्ध क्षेत्र था। आप सोच रहे होंगे सर जी शरीर के अंदर कैसे युद्ध क्षेत्र रहेगा, देखिए दोस्तों जो हमारी कोशिकाएं हैं, हमारी कोशिकाएं हैं जब इसमें चोट लग जाती है ना, जब हमारे शरीर में चोट लग जाती हैं तो हमारे अंदर की जो कोशिका है और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है दोस्तों ये उस घाव को भरने के लिए संघर्ष करती हैं। तो वही चीज कह रहा है कि बैटल अर्थात एक युद्ध क्षेत्र है और उस युद्ध क्षेत्र में कौन कौन कार्य कर रहा है आगे सुनिएगा। बैटल इंस्यूड बिटवीन द व्हाइट ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरिया, एक व्हाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कोशिका और बैक्टीरिया ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं दोस्तों। एंड सून मतलब और शीघ्र ही द वाउंड हेल्ड मतलब दोस्तों द वाउंड मतलब घाव, हेल्ड मतलब ठीक हो गया, अर्थात दोस्तों ये व्हाइट ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं दोस्तों और देखते ही देखते वो घाव ठीक हो जाता है, वो घाव ठीक हो जाता है। तो अर्थात दोस्तों हम लोग म्यूजियम में चल रहे थे और म्यूजियम में सब चीज दिखाया गया है कि एक मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वो सभी घटनाएं इसमें बताई गई। ठीक दोस्तों, तो एक बार हम पूरा सारांश बता देते हैं आपको, सुनिएगा सुनिएगा दोस्तों एक बार पूरा सारांश। म्यूजियम, हम एक म्यूजियम में गए, हम और आप भी गए हैं ना, हम और आप दोनों लोग अभी तो दर्शन करके तो आ ही रहे हैं, तो सुनिएगा दोस्तों हम और आप दोनों लोग गए हैं और दोनों लोग सुनिएगा। एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, समझ में आ रहा हो दोस्तों, जय हिंद लिखिए, समझ में आ रहा हो जय हिंद लिखिए, आइए कमेंट में आइए, नील प्रताप मानस अभी कमेंट में आइए, अभिषेक आप भी कमेंट में आइए, चंदन आप भी कमेंट में आइए, भाई बंधु आप भी कमेंट में आइए, एक बार सब लोग कमेंट में आइए और बताइए समझ में आया कि नहीं। नितिन आप भी आइए, किशन आप भी आइए, अजय नवीन रौनक तुलसी अनुज विशाल नीरज सब लोग आइए कमेंट में, विमल गुड्डू शुभम राजन सभी लोग कमेंट में आ जाइए। तो दोस्तों देखिए हुआ क्या कि हम लोग म्यूजियम में गए और म्यूजियम जो था वो कांच का और इस्पात का बना हुआ एक भवन था दोस्तों। वहां पर जो है हम लोग होमोसेपियंस का एक मंदिर था, वहां जब गए तो देखे जो बच्चे थे वो उत्सुक थे और जो मनुष्य थे अर्थात जो मतलब कि मनुष्य दोस्तों थे अर्थात दोस्तों एडल्ट्स थे, वयस्क मनुष्य थे, वो जिज्ञासु थे। फिर हमने देखा दोस्तों 16 लोगों की टोली में हम थे, 16 लोग तो आप हो गए और एक हम हो गए दोस्तों, तो यानी 17 लोग टोटल थे। तो गए दोस्तों हम लोग अंदर चले गए, अंदर गए तो हम लोग किस में घुसे पता है दोस्तों, हम लोग एक मानव के ढांचे में घुसे, मनुष्य का शरीर था ढांचा था उसमें हम लोग घुसे। अब घुसे दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने देखा कि एकदम अंधेरा हो गया था, अंधेरा हो गया था दोस्तों, हम लोगों को दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी, हम लोगों को ये घबराहट वाला फेफड़ा सुनाई दे रहा था, फेफड़े जो है घबराहट वाले क्या हुए थे, फेफड़ों की घबराहट सुनाई दे रही थी दोस्तों, हमें विशाल आंत दिखाई दे रही थी दोस्तों और दोस्तों हमें जो है डैगर के दांत दिखाई दे रहे थे, डैगर की तरह दांत दोस्तों दिखाई दे रहे थे। फिर हम लोग जब आगे गए दोस्तों तो 35 मीटर लंबा एक स्मृति चिन्ह मिला दोस्तों, जो स्मृति चिन्ह था दोस्तों उस स्मृति चिन्ह में क्या देखा हमने दोस्तों, उस स्मृति चिन्ह में हमने देखा कि जो स्मृति चिन्ह था वो घुटनों से शुरू हुआ, घुटनों से शुरू होता है दोस्तों और मस्तिष्क तक जाता है। फिर हमने आगे देखा कि उसमें घाव था और घाव था दोस्तों तो घाव के खिलाफ लड़ कौन रहा था, बैक्टीरिया और WBC लड़ रहे थे दोस्तों, बैक्टीरिया और WBC घाव के खिलाफ लड़ रहे थे। तो यही चीज हमारी कहानी थी दोस्तों और मैंने देखा कि वो घाव जो है कुछ देर में ठीक हो जाता है, अर्थात पूरा हमारे शरीर के बारे में इसमें बताया गया है। तो चलिए दोस्तों इस पर हम प्रश्न पर डिस्कस करते हैं कि आखिर इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दिख रहा होगा दोस्तों, अर्थात कह रहा है कि द पैसेज मतलब जो पैसेज है डील्स अबाउट मतलब किसके बारे में बात कर रहा है,
जो पैसेज है वो किसके बारे में बात कर रहा है? डिस्क्राइबिंग द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के भाग के बारे में। ए म्यूजियम दैट पोर्टेज आवर इंटीरियर बॉडी, हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से के बारे में। या फिर दोस्तों द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर हेल्थ, या फिर हमारे स्वास्थ्य के बारे में। या फिर दोस्तों नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए कि इस पैसेज में हम लोगों ने क्या देखा। दोस्तों पहली चीज तो हम लोग म्यूजियम में गए थे दोस्तों, और म्यूजियम में हमने देखा कि हमारे शरीर के अंदरूनी भाग के बारे में, चूंकि हम लोग अंदर यात्रा कर रहे थे ना, शरीर के अंदर घुसे थे दोस्तों। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ए म्यूजियम दैट पोर्टेज आवर इंटीरियर बॉडी, हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से के बारे में इसमें चर्चा की गई है म्यूजियम में। अगला देखते हैं दोस्तों, टू टर्म होमोसेपियंस इज यूज, होमोसेपियंस जो यूज किया गया है दोस्तों इसे क्यों यूज किया गया है? द पीपल हु आर गेस, लोग हु आर गे, जो गे होते हैं दोस्तों उनके लिए। या द विजिटर हु आर ए पर्टिकुलर प्लेस, या फिर किसी विजिटर के लिए, किसी व्यूअर के लिए था जो कि किसी एक स्थान पर रहते थे। या दोस्तों ह्यूमन, ह्यूमैन बींग एज ए रेस, या फिर मानव एक दौड़ में चल रहा, अर्थात मानव शरीर जो है एक दौड़ का हिस्सा है दोस्तों। तो और अगला है दोस्तों, द कल्च क्रिएचर्स हु हैव वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटेड। तो दोस्तों सुनिएगा, हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे शरीर लगातार दोस्तों गति कर रही है, हमारे शरीर लगातार गति कर रही है। हृदय अपना काम कर रहा है, फेफड़ा अपना कार्य कर रहा है, WBC अपना कार्य कर रहा है, हर चीज दोस्तों अपना काम कर रहे हैं। अर्थात ये शरीर एक दौड़ का मैदान है, और यहाँ के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितनी भी कोशिकाएं हैं, वो सभी इस पर दौड़ रही है दोस्तों। तो वही चीज है दोस्तों, क्या सही होगा आप बताइए, इसमें क्या सही होगा दोस्तों? मैंने बता दिया, हिंट भी दे दिया कि हमारे शरीर एक रेस का हिस्सा है, दौड़ है दोस्तों, इसमें सभी कोशिकाएं दौड़ रही हैं, सभी WBC दौड़ रही है, सभी रक्त दौड़ रहे हैं दोस्तों। अर्थात हमारा शरीर क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखिए, द ह्यूमन बीइंग एज ए रेस, मतलब मानव शरीर एक रेस का हिस्सा है दोस्तों। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है दोस्तों, व्हाई आर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक थ्रॉम्बिंग हार्ट्स, व्हीजिंग लंग्स, गेंट इंटेस्टाइन आर मेंशनड इन द पैसेज। जो अभी पैसेज में हमने बताया दोस्तों कि धड़कता हुआ दिल, दिल की धड़कन सुनाई दी, फेफड़ों की घबराहट सुनाई दी, लंबी दोस्तों आंत दिखाई दी, डैगर की तरह दांत दिखाई दे, जो ये सब वर्ड यूज हुए हैं वो क्यों यूज हुए हैं इसमें यही बताना है। तो आगे लिखा है दोस्तों, देयर आर द पार्ट्स व्हिच आर इन डिस्प्ले एट द म्यूजियम, मतलब कि ये सभी वो भाग थे दोस्तों जो म्यूजियम में दिखाए गए। फिर आगे दोस्तों, आथर ट्राइज टू एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द आवर बॉडी विच वी प्रोसेस, या फिर दोस्तों जो राइटर है वो ये बताना चाहता है कि हमारे शरीर का जो शरीर में जो काम, जो शरीर के पार्ट हैं वो कैसे काम करते हैं। या फिर दोस्तों, द आथर ट्राइज टू एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ आवर बॉडीज, या फिर आथर या राइटर दोस्तों ये चाह रहा था कि हमारे शरीर में कौन कौन सा भाग होता है इसको समझाना चाह रहा था, या फिर दोस्तों ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों सुनिएगा, अर्थात राइटर जो, देखिए दोस्तों, दीज आर द पार्ट्स विच आर इन डिस्प्ले एट द म्यूजियम, हम लोग जब म्यूजियम में गए थे दोस्तों तो वहां पर हमें दिखाई दिया जो हार्ट है वो चल रहा है, धड़कन सुनाई दे रही है दोस्तों, जो हमारे हृदय है उसके फेफड़े, जो फेफड़े हैं दोस्तों, फेफड़ों की घबराहट हमको सुनाई दे रही थी। अर्थात ये सब दोस्तों उसमें दृश्य दिख रहा था, डिस्प्ले हो रहा था, लग रहा था। तो वही चीज दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, दीज आर द पार्ट विच आर डिस्प्ले इन द म्यूजियम, ये सभी वो भाग हैं दोस्तों जो म्यूजियम में दिखाए गए थे, ये सभी वो भाग हैं जो म्यूजियम में दिखाए गए थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और चौथा आखिरी प्रश्न क्या है देखिएगा, द प्लेस ऑफ ए वाउंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में द प्लेस मतलब स्थान, ऑफ वाउंड मतलब घाव का, हमारे शरीर में जो घाव होता है दोस्तों वहां पर क्या होता है? तो हमने बताया दोस्तों, WBC और बैक्टीरिया ये दोनों आपस में संघर्ष करते हैं दोस्तों उस घाव को ठीक करने में। तो अर्थात दोस्तों सुनिएगा, लिखा दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स कम आउट ऑफ इट मेकिंग द सेल्स देयर वीकर, मतलब WBC हमारे शरीर के कोशिकाओं को कमजोर करने के लिए आते हैं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। वाइट ब्लड सेल्स फाइट विद बैक्टीरिया एंड डिफीट इट
टू हेल द वाउंड्स। बिल्कुल सही दोस्तों, कि WBC जो होता है बैक्टीरिया से युद्ध करता है और हमारे घाव को ठीक करता है दोस्तों। अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। तो ये था दोस्तों चार प्रश्न, ये थे दोस्तों चार प्रश्न। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों बताइए, ये हमारे चार प्रश्न थे दोस्तों और चारों प्रश्न पर हमने चर्चा कर दिया। दूसरा पैसेज आज था, हमने कहा दोस्तों कि हर चीज़ आपको समझ में आएगी, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, बस इंतज़ार करिए। और जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि 100 वन वर्ड 100 idioms phrase 100 antonyms 100 synonyms, तो वो सीरीज आपकी जल्द ही स्टार्ट की जाएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब समय बहुत कम है, जैसा कि जान रहे होंगे कि अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है दोस्तों, अक्टूबर में एयरफोर्स वाला एग्जाम होना है। तो इसलिए दोस्तों अब हम लग जाएंगे दोस्तों, तैयारी एकदम अच्छे से करेंगे दोस्तों, तेजी से करेंगे। और इस संडे याद रखिएगा दोस्तों, अब की रविवार को दोस्तों जो आपकी महामैराथन चलेगी वो इंग्लिश की चलेगी दोस्तों। और इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे गोल्डन रूल दोस्तों, और इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे 50 गोल्डन रूल। जी हाँ दोस्तों, 50 गोल्डन रूल इस संडे दोस्तों हम लोग 50 गोल्डन रूल पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, जरूर आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 50 गोल्डन रूल में कम से कम आपको 7 या 8 क्वेश्चन मिल जाएगा, याद रखिएगा 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जिसमें से पैसेज हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, या कॉमन एरर के जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज दोस्तों आपको इसमें मिलेंगी, जो हम 50 गोल्डन रूल सीखेंगे दोस्तों इस रविवार को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख रहा हूं आज मैंने लाइक करने के लिए नहीं कहा दोस्तों, तो आप लोग लाइक नहीं किए, एक बार जल्दी से लाइक करिए और जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से लाइक करिए और जय हिंद लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए एक बार सब लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे शाम को, आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी व्हाट्सएप पर। तो जय हिंद, धन्यवाद।